शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, हम अपना ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लें कि अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट वहां पे अराइज होता है जहां पे आपका पेमेंट पैटर्न जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट सा हो। किस तरह से डिफरेंट, क्वेश्चन देखेंगे वो ज्यादा हमें उससे सही से पता लग जाएगा। लेकिन अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की एग्जाम्पल्स कैसी होती हैं, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में हमने बेसिकली दो चीजों को पढ़ना है। ठीक है, एक हमने पढ़ना है एक्सपेंसेस को और दूसरा हमने पढ़ना है इनकम को। ठीक है, तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा टॉपिक है, वो इन दोनों एरियाज को कवर करता है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम लोग देखेंगे कि जी आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्रिएशन की भी बात होती है। एनीवे, वो एक अलग किस्सा है। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स बेसिकली बिलोंग करता है, स्टार्ट करता है, ओरिजिनेट करता है इन दोनों जो आपके पास आइटम्स हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस से। ठीक है, पहले हम लोग इनकम को, एक्सपेंसेस को फोकस करेंगे, पहले हम एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे और फिर हम इनकम के ऊपर आएंगे कि इनकम्स के केस में अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से क्या मतलब होता है। राइट, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, आपके पास जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, आप पूरा महीना बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप पूरा महीना बेनिफिट यूज करते हैं बिजली का और फिर उसके बाद जाके पेमेंट करते हैं। राइट, तो जहां पर इस तरह की पेमेंट हो जाए, कोई डिलेड पेमेंट हो जाए या कोई एडवांस पेमेंट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूफोन के कार्ड्स, अगर अपने मोबाइल कार्ड्स लोड करते हैं प्रीपेड, क्या होता है उसमें, आप 100 रुपए का अगर प्रीपेड कार्ड लोड करते हैं तो 100 रुपए आप पहले देते हैं और फिर उसके बाद आप सर्विसेज यूज करना शुरू करते हैं। राइट, तो जहां पे इस तरीके की कोई चीज आ जाए कि आपने अभी चीज को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया लेकिन पेमेंट कर दी, या आपने उस चीज को पूरा महीना इस्तेमाल किया, बेनिफिट उसके उसके अगेंस्ट गेन किया लेकिन आपने उसकी पेमेंट की बाद में, तो उस सिनेरियो में हमारा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है बीच में। ठीक है, एक्सपेंसेस को पहले हम फोकस कर रहे हैं, इनकम के बारे में हम आएंगे बाद में। राइट, ये 3-4 क्लासेस के बाद हम देखेंगे इनकम को। तो पहले एक्सपेंसेस को देखते हैं, इसके लिए क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा एक जरा चीज मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रिवाइज कर लूं। एसेट्स क्या होते हैं जी, एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर एसेट्स? लेमैन टर्म्स में ये सही टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, राइट? लेकिन हमारे पास एसेट क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट देगी। राइट, जैसे नॉन करंट एसेट हो गए, हमारे पास फर्नीचर हो गया, हमें पता है कि ये आज के दिन से स्टार्ट करके हमें फ्यूचर में 5-6 साल तक, 6 साल तक हमें वो बेनिफिट मिलता रहेगा उसका। राइट, इसी तरह रिसीवेबल्स क्या होते हैं, वो भी आपका एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें वो कैश की सूरत में एक इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। राइट, तो हमने डेफिनेशन पढ़ते हुए, और अभी आपने रिवाइज भी उसको किया होगा, जब हमने चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने एसेट की जो लेमैन टर्म्स में, जो सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट का टर्म इस्तेमाल हुआ हुआ था। और हमें ये बात प्रैक्टिस कर करके इस बात का अंदाजा हुआ कि एसेट होता क्या है, एक ऐसा रिसोर्स जिससे हमें फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। राइट, क्लियर है ना बात, सही है ना ये? हाँ, काउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? तो हमने एवी थोड़ी पढ़ा उसको, मैंने आपको एवी थोड़ी वहां पे स्टडी टेक्स्ट में बोला कि यहाँ से आपने याद करना है। याद है शुरू में थियोरी के जब हम चैप्टर्स कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि सारी चीजें आपको याद करनी है, सही है? अच्छा, तो ये तो हो गया आपका एसेट की बात। जब हम एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं, ठीक है, अब एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस मैं बिल्कुल ये लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ, ठीक है, ये कोई आपकी प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है,
अ बेनिफिट दैट हैज बिन कंज्यूम्ड। अब जिस तरह मैं आपको ये कहूं कि मेरा ये टेलीफोन एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस की एक फिगर लिखी है आपके सामने, 10,000 रुपए नवंबर के लेजर में, तो उसका क्या मतलब है? नवंबर के महीने में आपने 10,000 रुपए के का टेलीफोन सर्विसेज यूज की, राइट? तो एक्सपेंस क्या होता है, उसमें बेनिफिट किसको मिल रहा होता है? आपको मिल रहा होता है, बिजनेस को मिल रहा होता है, कोई भी आप एक्सपेंस उठा लो, उसमें बेनिफिट कौन ले रहा होता है? बेनिफिट ले रहा होता है बिजनेस, और उसके अगेंस्ट फिर वो पेमेंट कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, बेनिफिट अगर मैं कोई चीज ले रही हूँ, बेनिफिट ले रही हूँ, तो मैं उसकी पेमेंट करूंगी, राइट? तो आप जिस तरह टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, उसमें सारे ये बेनिफिट कौन कंज्यूम कर रहा है? बिजनेस कंज्यूम कर रहा है, राइट? बात समझ आ गई? तो अगर नवंबर के लेजर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपके सामने नजर आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि नवंबर के महीने में बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, बिजली कंज्यूम की, बिजली कंज्यूम करके उसको ऑब्वियसली बेनिफिट उठाया, लाइट शाइट ये सब चीजें, राइट? क्लियर है ना बात? हाँ जी, क्लियर है ना? तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस के अंदर बेनिफिट कंज्यूम हो चुका होता है, राइट? और एसेट के अंदर क्या होता है, बेनिफिट अभी मिलना होता है। तो इतनी बात मैंने आपके सामने हाईलाइट करनी थी कि जैसे ही आपने कोई बेनिफिट यूज किया, ठीक है, जैसे ही आपने कोई बेनिफिट कंज्यूम करना है, आपने इसका इसका मतलब है कि साथ ही एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देना। इज दैट क्लियर, जवाद और मोहसिन? ठीक है, आपने जैसे ही बेनिफिट कंज्यूम करना है, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? चले, अब इसी प्रीटेक्स्ट पे, इसी बेसिस पे हम जरा इस सवाल को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, वासिफ सेटअप हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2001, हिज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, द बिजनेस अक्वायर्ड अ टेलीफोन सिस्टम ऑन 1 फरवरी 2001, यानी के बिजनेस ने टेलीफोन का बेनिफिट कब से उठाना शुरू किया? 1 फरवरी 2001 से, राइट? स्क्रीन स्टैटिक हो गई है, जवाब मोहसिन आपकी भी? चले, तो अब ये आपको क्या बता रहा है कि जी बिजनेस उसने शुरू किया 1 जनवरी को, और उसने टेलीफोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाया है 1 फरवरी 2001। अब हमें ये पता है टेलीफोन एक्सपेंस होता है, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस होता है। टेलीफोन एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप बेनिफिट यू कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी होती है, यानी कि आपका खर्चा है, राइट? चले जी, अब नीचे वो क्या कह रहा है, टेलीफोन चार्जेस आर पेड every 3 months इन arrears। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। आपके पास, याद रखिएगा अभी हम एक्सपेंसेस में ही है, ठीक है, आपके पास पेमेंट्स जो है ना वो 2 तरीकों की हो सकती है, ठीक है? या तो एक हमें पता है इन एडवांस। इन एडवांस से क्या मुराद है? इन एडवांस से मुराद है कि आपने अभी तक बेनिफिट इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया और आपने उसकी पेमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपेड टेलीफोन के जो कार्ड्स होते हैं नेटवर्क, राइट, यू फोन कार्ड हो गए, जोंग वगैरह का प्रीपेड, वो क्या हो गए, वो एडवांस में आप पेमेंट करते हो, 100 रुपए का कार्ड लोड करते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले महीने पूरा महीना उस 100 रुपए की अगेंस्ट बेनिफिट्स कंज्यूम करते रहते हो, राइट? दूसरी जो पेमेंट होती है उसको कहते हैं इन अरियर्स। इन एडवांस क्या होता है कि आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट बिफोर इंजॉइंग द बेनिफिट्स, और ये क्या है, पेमेंट आफ्टर इंजॉइंग द बेनिफिट्स, ठीक है? यानी कि आपने पहले इस्तेमाल उसको कर लिया है, जो भी चीज है आपने उसको यूज कर लिया है, और पेमेंट आप कर रहे हो बाद में। इन अरियर्स है पेमेंट बाद में, इन एडवांस है पेमेंट पहले, राइट? पहले पेमेंट, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करना है। इन अरियर्स है पहले इस्तेमाल करके फिर पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात मोहसिन बच्चे? क्लियर है? तो अब ये क्या कह रहा है, टेलीफोन चार्जेस। अब जाहिर सी बात है, आपने टेलीफोन सिस्टम लगवाया, आपको बिल भी पे करना है। वो ये कह रहा है कि जो टेलीफोन के चार्जेस है, पीटीसीएल के साथ ऐसी डील हुई भी है कि पीटीसीएल ने आपको ये बात अलाउ की हुई है कि आपने टेलीफोन चार्जेस आर पेड every 3 months इन अरियर्स, यानी कि अब आपने 1 फरवरी को आपने टेलीफोन सिस्टम लगाया, राइट,
फरवरी का महीना गुजर गया, मार्च का महीना गुजर गया, अप्रैल का महीना गुजर गया। अप्रैल के आखिरी दिन आपने क्या करना है, पिछले 3 महीनों की इकट्ठी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 3 महीने आपने इस्तेमाल किया टेलीफोन और तीसरे महीने के आखिरी दिन आपने पेमेंट कर दी इकट्ठे 3 महीनों की। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब नीचे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, टेलीफोन इनवॉइसेस रिसीव्ड इन 2001 आर एज फॉलोस। तो इत्तेफाक से क्या हो रहा है, पीटीसीएल हमें बिल भी 3 महीने के बाद भेज रहा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल को उसने हमें 5,000 रुपए का बिल भेजा और हमने 30 अप्रैल को जाके 5,000 की पेमेंट कर दी। और हमें ये बात पता है कि इस 5,000 में सिर्फ अप्रैल के महीने के चार्जेस मौजूद नहीं है, इसमें फरवरी से शुरू होके, क्योंकि फरवरी से शुरू हुआ है ना, हम लोगों ने फरवरी से इंस्टॉल किया टेलीफोन सिस्टम, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन तीनों महीनों के चार्जेस जो है इस 5,000 में शामिल है, हमने जाके पेमेंट कर दी। राइट, अब हम देखते हैं, अब इसमें हमारा यूज आएगा किस चीज का, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, अगली इनवॉइस हमें रिसीव हुई, फिर अप्रैल अप्रैल का महीना हमने पेमेंट कर दी, मई जून और जुलाई, फिर 3 महीने गुजरे और जुलाई के आखिरी दिन हमें 3 महीनों की इनवॉइस मिल गई, हमने 31 जुलाई को जाके इसकी भी पेमेंट कर दी। फिर क्या हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमने हमें इन तीनों महीनों की भी इनवॉइस मिली 31 अक्टूबर को और हमने जाके पेमेंट कर दी। अब अगली इनवॉइस हमें कब मिलेगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2002 के आखिरी दिन। राइट, मोहसिन और जवाब फॉलो कर रहे हो आप लोग, अगली इनवॉइस हमें कब मिलेगी, अगली इनवॉइस हमें मिलेगी जनवरी 31 के आखिरी दिन, और जनवरी 31 क्या हो जाएगा, ये अब हमारा अगला अकाउंटिंग ईयर, 1 जनवरी नहीं, 31 जनवरी, 3 महीने गुजारने के बाद। लेकिन ना मसला ये है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के बीच में आ जाता है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड, यहाँ पे आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो मैं आपको डबल एंट्री सिखा रही हूँ, आपने एज इट इज बिल्कुल तहमुल से, बिल्कुल आराम से इन्हीं डबल एंट्रीज को फॉलो करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज लॉन्ग एज यू फॉलो माई सिस्टम। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि 31 दिसंबर पे आके क्या करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा रही हूँ। ठीक है, अभी अच्छा अगली लाइन पे जरा पढ़े, अब हम 31 दिसंबर पे खड़े हुए। ठीक है, 31 अक्टूबर गुजरा, आखिरी आखिरी आपको इनवॉइस रिसीव हुई और आपने उसकी पेमेंट भी कर दी। अब आप खड़े हैं इंतजार में कि अब अगली इनवॉइस मिले तो मैं उसकी पेमेंट करूं। राइट, लेकिन अब बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया क्लोजिंग, 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर एंड आ गया, अब आपको क्लोजिंग करनी है। राइट, अब आप 31 दिसंबर पे खड़े हुए और क्या आपके पास आया, द नेक्स्ट इनवॉइस इज टू बी रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2002 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ ₹9,000। अब इसका क्या यूज है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आप जरा रिक्वायरमेंट पर आते हैं तो आपको नजर आता है रिक्वायरमेंट पे है, प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स अंडर टू अकाउंट मेथड एंड वन अकाउंट मेथड। तो बेसिकली अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो पहले हम टू अकाउंट मेथड से जो है इसको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वन अकाउंट मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलें जी, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि सीधी सीधी पेमेंट की डबल एंट्रीज पोस्ट करनी है। ठीक है, अब आपके पास बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी से, टेलीफोन सिस्टम आपने सेट कर दिया 1 फरवरी को, और फिर पहली इनवॉइस की पेमेंट आप कब कर रहे हो, 30 अप्रैल 2001 को। तो आप जाओगे 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल को अब आपने डबल एंट्रीज पास करनी है। क्या डबल एंट्रीज पास करोगे, पेमेंट कर रहे हो, राइट, और पेड एवरी 3 मंथ्स पेमेंट कर रहे हो, यानी कि कैश, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, जो भी है, कैश है, बैंक है, व्हाटसो एवर, दैट डजेंट मैटर। आपने क्या किया, आपने बैंक को कर दिया क्रेडिट 5,000, इतनी बात तो पता थी, राइट, आपने इसको 5,000 से क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है,
टेलीफोन एक्सपेंसेस आप अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक्सपेंस इनकर किया है ना। तो आपको 30 अप्रैल को एक इनवॉइस मिली और आपने उसको देखते हुए इकट्ठी 3 महीने की एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक, राइट। ये काम आपने किया, आपने क्या किया, 30 अप्रैल को ही इकट्ठी 3 महीनों की एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर दी। वी हैव जवाद मोहसिन, वी हैव सॉल्व दिस। आई डोंट थिंक वी स्टार्टेड विद अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। हमने बीआरएस पे आके रोक दिया था, वी डिड दैट। ओ अच्छा, तो आप लोग बताते तो सही। चलो ये तो बेस्ट हो गया। तो कहाँ तक हमने किया था? अच्छा, मेरे दिमाग में कि हमने अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स बिल्कुल शुरू से करना था। ओहो चलो, कहाँ तक हमने किया था इसको? सेकेंड ईयर पे आ गए थे हम, पूरा क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा, दूसरों का भला हो जाए, नहीं नहीं तो उनको भी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, इसमें कौन सी बात है। क्वेश्चन नंबर टू हमने कर लिया, नहीं किया। सिंगल अकाउंट में किया था, सिंगल अकाउंट भी कर दिया इसका, टू अकाउंट मेथड भी और सिंगल अकाउंट मेथड भी, पक्की बात है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, ए और बी। चलें जी, क्वेश्चन टू पर आ जाएं फिर। ओहो, आप लोगों में से किसी ने बोला भी नहीं, आधा घंटा गुजर गया, देखिए जरा। चलें अब क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात हो गई, अब क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाते हैं, सही है। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, अगेन वही टू अकाउंट मेथड और सिंगल अकाउंट मेथड से हमने सॉल्व करना है। अच्छा, 15 मिनट्स हो, चले ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर टू को भी सिंगल अकाउंट मेथड और डबल अकाउंट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या है, वह सिचुएशन में पेमेंट पैटर्न की जो टर्म्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको देखते हैं। प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, मेथड वन और मेथड टू, ये तो आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2013, द फॉलोइंग पेमेंट्स पर्टेन टू रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग टेकन ऑन रेंट फ्रॉम 1 नवंबर 2013। तो इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है, किसी और की बिल्डिंग को आप इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस के पर्पजेस के लिए, राइट। तो जो जो बेनिफिट ले रहा होता है वो पेमेंट भी करता है, राइट। इसीलिए हम उसको अपना खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, राइट, कि हमें बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे इनकर करने पड़ गए, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, अब आपके पास ये है कि आपने बिजनेस शुरू किया था 1 जुलाई 2013 को, और आपने बिल्डिंग रेंट पे कब से लिया है, 1 नवंबर 2013 को। अब इधर आ जाए, द फॉलोइंग पेमेंट्स पर्टेन टू रेंट पेड, कौन सी पेमेंट, ये आपको क्या डेट दी हुई है, ये दी हुई है पेमेंट की डेट। तो पहली पेमेंट कब हो रही है, पहली पेमेंट 1 नवंबर 2013 को ही हो रही है, और कितने की, ₹3 लाख फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी 2014, ठीक है। तो जब ये 3 मंथ्स एंड हुए हैं 31 जनवरी 2014 पे, तो ये शुरू कब से हुए हैं, इस पूरी पेमेंट की पीरियड क्या है, जनवरी दिसंबर नवंबर, राइट। 3 मंथ्स एंडेड है, ये बिल्कुल प्री पेमेंट है। अब ये क्या हो गया, अब हो गया रहा है कि 1 नवंबर 2013 को आप पेमेंट कर रहे हो अगले 3 महीनों की, नवंबर दिसंबर जनवरी 2014, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इस सिनेरियो में जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था, उसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर टू में भी क्या करेंगे, जिस डेट पे पेमेंट हो रही है उसी डेट पे हमने एक्सपेंस की बुकिंग कर लेनी है, राइट। तो हमारे पास पेमेंट कब हो रही है, पेमेंट हो रही है 1 नवंबर 2013 को, हमने क्या किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया। अच्छा, इधर पहले हम अपना ईयर एंड वगैरह लिख लेते हैं, हमारा जाहिर सी बात है बिजनेस अगर शुरू हुआ है 1 जुलाई 2013 को, तो हमारा ईयर एंड कब वो होगा, 30 जून 2014, राइट। ये आपका पूरा साल हो गया, पूरा अकाउंटिंग ईयर हो गया, क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या करना है,
1 नवंबर 2013 को आपने 3 लाख रुपए की पेमेंट की। आपने कोई अपनी तरफ से रॉकेट साइंस नहीं लगानी कि ये तो अगले 3 महीनों की है, क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं 3 पे, फिर एक एक करके रिकॉर्ड करते रहेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, ये सारा काम आप करोगे सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड पे। ठीक है, आप महीने की क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, आप पूरे साल की क्लोजिंग कर रहे हो इकट्ठे। तो बीच में जिस तरह से भी हो रहा है आपने उसको एज इट इज रिकॉर्ड करते रहना है। ठीक है, उसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वो जब आपको अगर मतलब जब आप प्रैक्टिकली देखोगे कि महीनों की क्लोजिंग, ईयर मंथ्स की क्लोजिंग किस तरह हो रही होती है, तो उसमें फिर वो आप अलग से एक चीज देख लोगे। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या देखना है, आपने पूरे साल को एज अ होल देखना है, और पूरे साल के आखिर में आपने ये चीज देखनी है कि अच्छा जी कितना प्रीपेड है और कितना अभी भी अक्रूड है। ठीक है, तो 3 लाख की आपने पेमेंट की और आपने क्या कर दिया, 3 लाख से 3 लाख से रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और क्या क्रेडिट कर दिया, बैंक, अज्यूमिंग के बैंक से पेमेंट हुई, इससे हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर ये कैश से भी पेमेंट हुई होती। ठीक है, तो पहली पेमेंट होगी आपकी 1 नवंबर 2013, और ये कितने महीनों की है, ये है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। राइट, ये मैं आगे सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए। अगली पेमेंट कब हो रही है, 1 फरवरी 2014। ठीक है, 1 फरवरी 2014 को दोबारा से क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, और अब ये कितने महीनों की पेमेंट कर रहा है, फॉर द 3 मंथ्स अगेन एंडेड 30th अप्रैल, यानी कि अप्रैल, मार्च और फरवरी। राइट, वर्क बैक करें, 3 मंथ्स एंडेड है 30 अप्रैल, तो ये शुरू कब हुए होंगे, 1 फरवरी से। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की इकट्ठी आपने पेमेंट कर दी 1 फरवरी को 3,60,000। आपने क्या डबल एंट्री पास की, आपने 1 फरवरी को ही पेमेंट की डेट पे ही रेंट एक्सपेंस डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चले, अब अगली पेमेंट कब हो रही है, 1 मई 2014। 1 मई 2014 क्या आपके अकाउंटिंग ईयर में फॉल करती है डेट, डबल एंट्री इसकी इसी अकाउंटिंग ईयर में पास करनी है, हम इसी अकाउंटिंग की पास करें, नहीं, 1 मई चेक करें, ये अकाउंटिंग ईयर आपका कब खत्म हो रहा है, 30 जून को। 1 मई को अब आप पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या इस अकाउंटिंग ईयर में इसको रिकॉर्ड करेंगे मोहसिन? आप एक पेमेंट कर रहे हो, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो 1 मई 2014 को। नहीं, पहले बस आपने मुझे ये बताना है कि जो पेमेंट हो रही है 4,40,000 की, ये पेमेंट आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 4,40,000 से 1 मई को दिखाना है ना, क्योंकि 1 मई बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा ईयर एंड हुआ नहीं है, हमें जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस साल में हमें वो रिकॉर्ड तो करनी है। राइट, अब हम क्या करेंगे, 1 मई 2014 को दोबारा क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे, कितने से, जितने की पेमेंट हुई है 4,40,000। ट्रांजैक्शन कितने की हुई है, नहीं अभी रुक जाओ मुस्लिम, देखो वो काम हम बाद में करेंगे, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने पेमेंट को पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देना है, अपनी तरफ से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। ठीक है, कि अभी हम वो जून का निकाल के फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके बैंक में से पैसे कितने गए 1 मई को, 1 मई 2014 को आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कितने निकले टोटल, 4,40,000 है ना। तो आपने पहले 4,40,000 की अकाउंटिंग तो करनी है, आपने बैंक को क्रेडिट करना है और टेलीफोन रेंट एक्सपेंस को कर देना है डेबिट। क्लियर है बात? फिर जब हम 30 जून पे खड़े होंगे, जब हम अपनी ईयर एंड पे खड़े होंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने कितने का प्रीपे किया है, और उस अमाउंट को हम एक्सपेंस से निकाल लेंगे, एसेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है बात? अब यहां पे देखें, हम टू अकाउंट मेथड से चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, साथ ही हम अपना रेंट का टी अकाउंट भी बना लेते हैं। जी फॉलो कर रहे हैं सारे? ठीक है, रेंट का एक्सपेंस का हमने अकाउंट बनाया, पहली इसमें पेमेंट हमें नजर आ रही है 1 नवंबर 2013,
1 नवंबर 2013 को हमें नजर आ रहा है कि बैंक के थ्रू पेमेंट हुई हुई है कितने की, 300,000 की। ठीक है जी, तो ये आपके पास 300,000 से रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है। फिर अगली पेमेंट हो रही है 1 फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014 को भी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है 3,60,000 की। ठीक है, फिर आपके पास अगली पेमेंट नजर आ रही है 1 मई 2014 को, ये भी बैंक के थ्रू 4,40,000 की। अब आप कहां पे पहुंच गए, अब आप पहुंच गए ईयर एंड पे, यानी कि अब आप आ गए 30 जून 2014 पे। और अब जब आप खड़े होके अब अपने रेंट के एक्सपेंस के अकाउंट को देख रहे हो, तो आपको ये नजर आ रहा है कि आपने टोटल इस साल आपने टोटल कितना रेंट एक्सपेंस इनकर किया, कितना बेनिफिट एंजॉय किया। आपने बिल्डिंग रेंट पे ली थी 1 नवंबर को, और आप अभी 30 जून 2014 पे खड़े हुए हो। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने आपने बेनिफिट एंजॉय किया। तो आपको ये बात पता है कि फिर एसओसीआई के अंदर जब मैं क्लोज करूंगी इसको, तो 30 जून 2014 को एसओसीआई में भी कितने महीने का बेनिफिट जाना चाहिए, कितने महीने का एक्सपेंस जाना चाहिए, 8 मंथ्स का। जब आप इस डेबिट साइड पे देखते हो, तो आपको नजर आता है कि इसमें देखो अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स में, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में जब हमने किया होगा तो मैंने ये बात आपको बताई होगी कि अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के लिए नॉर्मली आपकी जो सबसे आखिरी पेमेंट होती है ना, उसी में मसले मसाइल होते हैं, उसी के अंदर अक्रूवल या प्री पेमेंट का पार्ट चीज होती है, राइट। जिस तरह आप ये 3 लाख की फिगर देखो, 3 लाख की क्या है, ये पेमेंट है राइट, और प्री पेमेंट थी। 30 जून 2014 पे खड़े हो के आप क्या कहोगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन तीनों महीनों का मैं बेनिफिट यूटिलाइज कर चुका, राइट। मैंने आप लोगों को ये बात लिखवाई थी कि ये शायद मैंने आपको नहीं लिखवाया कि जहां पे बेनिफिट के आगे टिक आ जाए, पेमेंट के आगे टिक ना आए, तो वो अक्रूवल्स है। ये बात मैंने लिखवाई थी जी, नहीं लिखवाई थी। अच्छा चले, इसको मैं अभी करवा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरी बात जरा फॉलो करने की कोशिश करें, अगर समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं समझ आए कोई टेंशन ना ले। ये जो 3 लाख रुपए, अब मैं कौन सी डेट पे खड़ी हुई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ 30 जून 2014 पे, और अब मैं क्लोजिंग कर रही हूँ पूरे साल की, राइट। मैं एसओसीआई बना रही हूँ पूरे साल का। मैं जब इस 3 लाख रुपए की पेमेंट को देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि ये क्या थी, ये प्री पेमेंट थी। हमने 1 नवंबर 2013 को एडवांस में पेमेंट कर दी थी 3 महीनों की, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की। जब मैं 30 जून पे खड़ी हुई हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया है ना, क्योंकि टाइम गुजर गया। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम गुजर गया, मैंने बेनिफिट भी एंजॉय कर लिया, और ये जो 3 लाख की प्री पेमेंट हुई हुई थी, ये बेसिकली मेरा बेनिफिट में कन्वर्ट हो गया। इसमें कोई मसला नहीं है, 3 महीनों की पेमेंट भी हुई हुई है, 3 महीनों का बेनिफिट भी एंजॉय किया हुआ है, यानी कि इसमें कोई इश्यू नहीं है। 3,60,000 पर आते हैं। 1 फरवरी 2014 को आपने इसकी पेमेंट कर दी थी। आप अभी कौन सी डेट पे खड़े हुए हो, क्लोजिंग पे खड़े हुए हो, 30 जून 2014 पे खड़े हुए हो। आपने 3,60,000 के अगेंस्ट जितना बेनिफिट था, वो भी अब तक एंजॉय कर लिया। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने गुजर गए, आपने उन महीनों में रेंट बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया, किसी और की बिल्डिंग को बिजनेस के पर्पसेस के लिए यूज भी कर लिया। बात फॉलो करें, तो मेरे पास इस 3,60,000 में भी कोई इश्यू वाली चीज नहीं है। मैंने पेमेंट की हुई थी, भले अब वो प्री पेमेंट थी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट मिलना था वो भी मुझे मिल चुका। ठीक है ना, मोहसिन और उस्मान, क्लियर है। अब बारी आती है 4,40,000 की। अब 4,40,000 में मैं ये देखती हूँ कि मैंने 1 मई को पेमेंट की थी 4 महीनों की। कौन कौन से महीनों की, मई, जून, जुलाई और अगस्त।
मैं अभी कहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं अभी खड़ी हुई हूँ 30 जून 2014 पे, और मैं खड़े होके कह रही हूँ कि 4,40,000 में से अब तक मैंने सिर्फ 2 महीने का बल्कि मई और जून, राइट, 30 जून पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि मैंने इस पेमेंट में से सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों का बेनिफिट इंजॉय किया हुआ है, 2 महीनों का बेनिफिट अभी इंजॉय करना बाकी है। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस 4,40,000 के अगेंस्ट मैंने पूरा बेनिफिट एंजॉय नहीं किया, यानी कि ये प्री पेमेंट का केस है। क्लियर है बात? अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता है, ये बात शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह से कराई थी, है ना, शायद, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 3 लाख की अमाउंट कितने महीने की है, 3 मंथ्स की, राइट, ये 3,60,000 कितने महीने की है, 3 मंथ्स की, ये 4,40,000 कितने महीने की है, 4 मंथ्स की पेमेंट है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर द 3 मंथ्स, फॉर द 3 मंथ्स, फॉर द 4 मंथ्स, राइट। अब अगर मैं एज इट इज एसओसीआई की बैलेंसिंग फिगर निकाल लेती हूँ, जरा डेबिट साइड पे मुझे बताएं कितने महीनों की फिगर आ रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में 10 महीनों का अमाउंट डेबिट हुआ हुआ है, हालांकि आपको सिर्फ कितने महीनों का चाहिए, 8 मंथ्स का एक्सपेंस चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब डेबिट साइड में से कुछ अमाउंट क्रेडिट करनी पड़ेगी, है ना, और वो उसकी डबल एंट्री अब मैं क्या पास करूंगी, अब मैं 30 जून 2014 जो मेरे क्लोजिंग की डेट है, अब मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरे रेंट एक्सपेंस में कुछ अमाउंट ज्यादा पड़ी हुई है, मुझे उसको ट्रांसफर करना है। क्या चीज है ये, प्रीपेड रेंट, ये मेरा बेनिफिट है जो मैंने फ्यूचर में यूज करना है, यानी कि इसको मैंने ट्रांसफर कर देना है एसेट अकाउंट में, है ना। 4,40,000 की पेमेंट मैंने कर दी है, बेनिफिट अभी इस्तेमाल करना बाकी है। तो जो हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एज पर दैट आपने किसी चीज की अगर पेमेंट कर दी हो, कोई चीज आपके पास आ गई हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने अभी तक उससे बेनिफिट नहीं यूज किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, 4,40,000 की पेमेंट कर दी है, जिसमें से 2 महीनों का बेनिफिट अभी यूटिलाइज करना बाकी है, तो वो आपका एसेट में कन्वर्ट हो जाना है। तो प्रीपेड रेंट को अब आपने डेबिट करके रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, लेकिन अब किस अमाउंट से, नहीं 1 जुलाई नहीं लिखेंगे हम, 30 जून पे खड़े होके क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो क्लोजिंग तो साल के आखिरी दिन होगी, 1 जुलाई को तो रिवर्सल होगी इसकी, 1 जुलाई को तो इस डबल एंट्री की रिवर्सल होगी, 1 जुलाई 2014 तो अब अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, 1 जुलाई 2014 तो हमारा अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा, उसमें हम इस प्रीपेड प्रीपेमेंट की रिवर्सल एंट्री पास करेंगे, जिस तरह हमने अक्रूड के केस में किया था, राइट। तो आपने महीने साल के आखिर में पहले कोई एंट्री पास की होगी, तो उसी कर उसका रिवर्सल करेंगे ना, वरना रिवर्सल किस चीज का। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, अब आपने ये कहना है कि 4,40,000 की पेमेंट जो है वो टोटल 4 मंथ्स की है, वेरी गुड, टोटल 4 मंथ्स की है, मई जून जुलाई अगस्त, उसमें से 2 मंथ्स अभी आपके क्या है, प्री पेड है, यानी कि जुलाई और अगस्त का महीना, इत्तफाक से 2 महीने यूज हो चुके हैं, 2 महीने प्रीपेड है, यानी कि वो 2 2 सेम लग रहा है, लेकिन इसमें 2 से जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या करना है, जो अभी तक बेनिफिट आपने यूटिलाइज नहीं किया अगले के 2 महीने, राइट, जुलाई अगस्त, राइट, इसको आपने किया, आपको ये पता लगा कि 2,20,000 का ऐसा अमाउंट है जिसके अगेंस्ट अभी तक आपने बेनिफिट यूज नहीं किया, आपने इससे एक डबल एंट्री पास कर दी, रेंट एक्सपेंस को आपने कर दिया क्रेडिट, कौन सी डेट पे, आपने रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया 30 जून 2014 पे, आखिरी दिन आपने एक डबल एंट्री पास की, और आपने इस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट में, 2,20,000, ठीक है। और आपने इसी तरीके से क्या बनाया, इसी तरीके से आपने प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट बनाया,
और आपने इसको क्या कर दिया, डबल एंट्री के थ्रू 30 जून 2014 को रेंट एक्सपेंस और 2,20,000, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों अकाउंट्स को क्लोज करना है। जब आप क्लोज करने पे जाएंगे तो आपके पास रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में अब जो एसओसीआई की फिगर आएगी वो आपकी एग्जैक्टली 8 मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगी। सही है, तो ये आपके पास आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, 8,80,000 आपका आ गया कि टोटल 8 मंथ्स का एक्सपेंस आपका कितना है। आपने इस पूरे साल में 8,80,000 का बेनिफिट एंजॉय किया है किसी और की बिल्डिंग का, क्लियर हो गई बात? और इतने का ही आपका एक्सपेंस जाना चाहिए, क्लियर हो गई? जब आप प्रीपेड एक्सपेंस में जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आपका एसेट अकाउंट है, तो इसको क्लोज होना है कैरेट डाउन से। तो आपके पास कैरेट डाउन क्या आएगा, 2,20,000। अब जरा इसका नेचर बताएंगे, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, मर्जी है नहीं मोहसिन, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको यहां पे कह रहे हो ना एसओसीआई यहां पे क्यों नहीं है, उसमें मसला नहीं होता उससे। डेबिट बैलेंस है, वेरी गुड, डेबिट बैलेंस है, यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि आपका ये एसेट अकाउंट है, राइट? क्योंकि कैरेट डाउन इसका क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्लियर हो गई बात? सही है, अब क्या होगा, अब इसमें वो आगे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 को अगले साल पे कंटिन्यू नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन हमें ये बात पता है, क्या बात पता है, कि डबल अकाउंट मेथड है, टू अकाउंट मेथड है। क्लोजिंग में जो आपने प्री पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की है, अब अगले साल क्या होगा, 1 जुलाई 2014 को सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी रिवर्सल, रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 2,20,000 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट होगा 2,20,000 से। ये काम कब होगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, अगले अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 जुलाई 2014 को पहले तो आप लोग लिखोगे क्या, ब्रॉड डाउन, ये जो कैरेट डाउन है प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट में, ये हो जाएगा 2,20,000 से ब्रॉड डाउन। फिर ये डबल एंट्री पोस्ट होगी जिसमें आपने प्रीपेड एक्सपेंस को, प्रीपेड रेंट के एक्सपेंस को 1 जुलाई 2014 को ही क्या कर देना है, रिवर्सल कर देना है, रेंट एक्सपेंस में इस फिगर को ट्रांसफर कर देना है, क्लियर हो गई बात? ये आपका क्रेडिट हो गया और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट 1 जुलाई 2014 है। रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में कोई ब्रॉड डाउन नहीं होगा, सिर्फ इधर क्या अमाउंट आ रही होगी, प्रीपेड रेंट के अकाउंट में से 2,20,000। जी फॉलो कर रहे हैं सारे? ठीक है जी, तो अगर ये पूरा साल कंटिन्यू हो रहा होता तो फिर हम इस तरीके से फिर पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और फिर दोबारा साल के आखिर में हमें देखना होता कि क्या है, प्री पेमेंट है, कितने से है, कितने से नहीं है। ठीक है, अब एक काम ये करें, इसी क्वेश्चन को सामने आपके खुला हुआ है, ये मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे ख्याल से, है ना, LMS पे किया हुआ है। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंगल अकाउंट मेथड से इस अकाउंट को बनाना है, सिंगल अकाउंट मेथड से। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सामने आपके खुला हुआ है, जल्दी से करें काम। सिंगल अकाउंट मेथड में क्या होता है, अक्रूड के केस में हमने ये बात देखी थी, सिंगल अकाउंट मेथड में ये जो 30 जून 2014 को आप ये काम करोगे इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं होगी। आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि ये क्या है, प्री पेमेंट का सिनेरियो है या अक्रूवल का सिनेरियो है। अगर तो ये प्री पेमेंट का सिनेरियो है तो आपको पता है कि इसका कैरेट डाउन आना चाहिए क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये एसेट है ना। तो आपने कैलकुलेशन उसी तरह से करनी है, 2,20,000 की सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, चलो मैं ये कर देती हूँ, बाकी सारा काम वही होगा। सिंगल अकाउंट मेथड में कोई प्रीपेड रेंट के नाम का अकाउंट नहीं होगा,
कैलकुलेशन आपकी एग्जैक्टली वही होगी। कैलकुलेशन क्या होगी, आखिरी पेमेंट को देखेंगे, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 2,20,000। सिर्फ काम क्या करना है, इधर डबल एंट्री पास करने के बजाय कैरेट डाउन लिख देना है, ठीक है। जो आपने रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करना था, आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है और कैरेट डाउन लिख देना है, कोई ट्रांसफर एंट्री पास नहीं करनी। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में आपको SOCI की फिगर भी नजर आ रही है 8,80,000, और रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में ही आपको कैरेट डाउन नजर आ रहा है, जो कि क्या है, डेबिट बैलेंस है। बिल्कुल ठीक, जो कि डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये आपको एसेट के बारे में भी बता रहा है कि रेंट एक्सपेंस में अगर कोई कैरेट डाउन डेबिट क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये कोई प्रीपेड एक्सपेंस है। बात क्लियर हो गई मोहसिन उस्मान? क्लियर है, ठीक है। तो टू अकाउंट मेथड आ जाए। सिंगल अकाउंट मेथड में आपको सिर्फ क्या करना है, आखिरी डबल एंट्री में कैरेट डाउन सिर्फ लिख देना है, राइट, और डबल एंट्री कोई पास नहीं होनी। इसी तरह अगले अगले साल क्या होगा, अगले दिन ये कैरेट डाउन ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे बन जाएगा ब्रॉड डाउन, और इसमें भी आपको कोई रिवर्सल एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कैरेट डाउन इधर ही आ रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ पे ब्रॉड डाउन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है और कैरेट डाउन दोबारा लिखना है और SOCI निकालना है, ठीक है जी। तो ये पूरा सिस्टम उस तरह से चलता है, प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस के लिए कि छोटी सी एक छोटा सा चार्ट देख लें, ये सारी चीजें वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी एक्सपेंसेस के ऊपर हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर अगर आपने बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मैं नॉर्मली मैं जब रेगुलर स्टूडेंट्स को बोर्ड पर लिखवा रही थी तो मैं टिक करती हूँ कि बेनिफिट आपने इस्तेमाल कर लिया है, और अगर उसके अगेंस्ट पेमेंट भी कर दिया है तो नो इश्यू, नो अक्रूअल, नो प्री पेमेंट, राइट, कोई मसला ही नहीं है, राइट। मसला कब आता है, अगर आपने बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया है और आपने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो अक्रूअल और प्री पेमेंट, ठीक है। मसला क्या कहां पे आता है, जहां पे आपने बेनिफिट तो इस्तेमाल कर लिया है लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, तो यहां पे आपका कौन सा सिनेरियो आता है, अक्रूवल का, है ना, यहां पे आपका सिनेरियो होता है अक्रूवल का। और अगर आपने बेनिफिट इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपने उसकी पेमेंट पहले से कर दी, यानी कि प्री पेमेंट कर दी, तो वो कौन सा सिनेरियो होता है, वो आपका होता है प्री पेमेंट, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। सही है, चलें आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर आए। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखें। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ आसिम एज एट 31 अगस्त 2015। तो 31 अगस्त 2015 पे जो ट्रायल बैलेंस बना उसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट दे दिया। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है किसी बड़ी चीज का छोटा सा उसने आपको हिस्सा दे दिया, जो रिलेवेंट पार्ट है, ठीक है। अब उसमें आपको नजर आ रहा है स्टेशनरी है, रेंट है, फ्यूल एंड पावर है, रेट्स है, वेजेस एंड सैलरीज हैं, और ये सारी की सारी फिगर्स आपको डेबिट कॉलम में नजर आ रही है क्योंकि ये एक्सपेंस है, राइट। आगे लिखा हुआ है, देयर वाज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड एट 31 अगस्त 2015 व्हिच हैड कॉस्ट ₹22,500। अब स्टेशनरी नॉर्मली यहाँ पे करंट एसेट भी ट्रीट किया जाता है और एज एन एक्सपेंस भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर स्टेशनरी नॉर्मली नॉर्मली ऐसे ज्यादातर बिजनेसेस स्टेशनरी को एज एन एक्सपेंस ही लेके जाते हैं, ठीक है, एज एन एक्सपेंस ही लेकर चलते हैं, एक्सपेंस आउट करते रहते हैं जैसे जैसे स्टेशनरी यूज होती रहती है। इसमें देखते हैं कि क्या होगा। अब उन्होंने स्टेशनरी के बारे में ये बताया हुआ है कि 31 अगस्त 2015 को अभी भी अनयूज स्टेशनरी मौजूद थी 22,500 की, ठीक है। फिर आगे ये बता रहा है,
रेंट ऑफ ₹2,20,000 फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2015। हम कहाँ खड़े हुए? हम 31 अगस्त 2015 पे खड़े हुए। रेंट ऑफ 2,20,000 फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2015 हैड नॉट बिन पेड एंड नो एंट्री हैज बिन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर इट, राइट? तो अब हमें क्या करना है? हमने जुलाई और अगस्त 2015 का, हम इधर आ जाते हैं, क्या सिनेरियो है? आपने बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया, पेमेंट अभी तक नहीं की, यानी कि इसका अक्रूवल रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है ना। आप ये कहोगे बेनिफिट तो इस्तेमाल कर लिया, पेमेंट नहीं की, यानी कि हमारे सर पे अभी तलवार लटक रही है, हमें उसकी पेमेंट करनी है, राइट? मोहसिन उस्मान जवाद, क्लियर है जी? क्लियर है ना बात? चले आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है फ्यूल डिलीवर्ड एंड कंज्यूम्ड, यानी कि बेनिफिट यूज कर लिया, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2015 अमाउंटेड टू 50,000। नो इनवॉइस हैड बिन रिसीव फॉर इट बाय 31 अगस्त एंड हेंस नो एंट्री हैड बिन मेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। क्या करेंगे इसका? जी इसका क्या करना है? अक्रूवल, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब नीचे ये दे रहा है ऑफ द रेट्स ₹3,50,000 वाज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। द रिमेनिंग 1,50,000 वर्स फॉर द 4 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्या कह रहा है ये? टोटल आपके पास रेट्स कितने हैं? 500,000। वो ये कह रहा है कि ऑफ दिस अमाउंट ₹3,50,000 वर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हम कहाँ खड़े हुए? 31 अगस्त 2015 पे, बिल्कुल। क्या समझ आ रहा है इससे? 3,50,000 पूरे 12 महीने की कोई पेमेंट हमने कर दी थी, वो 12 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2015 को। हम खड़े हुए, वेरी गुड, हम खड़े हुए 31 अगस्त पे, यानी के 31 अगस्त पे हम खड़े होके बोलते हैं कि इस पूरे साल में से हमने रेट्स की पेमेंट तो कर दी थी। रेट्स क्या होते हैं? टैक्सेस टाइप के होते हैं, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना अभी तक आया ही नहीं, हमने उसका बेनिफिट तो इस्तेमाल ही नहीं किया, एक्सपेंस में रिकॉर्ड ये किया हुआ है, यानी कि अब उसको एक्सपेंस से निकाल के एसेट में कन्वर्ट करना है, राइट? अब वो कह रहा है द रिमेनिंग ₹1,50,000 वाज फॉर द 4 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्या करना है इसका? इस वाले का क्या करना है? चेक करें जरा इसके ऊपर, ये जरा अप्लाई करें, ये वाला रूल अप्लाई करें, ये वाले रूल्स, कुछ करने की जरूरत है या नहीं? कौन से 4 मंथ्स की ये है? 31 दिसंबर 2014 की। हम कहाँ खड़े हुए? 31 अगस्त 2015 पे। हम क्या कहेंगे? 31 अगस्त को खड़े होके, 31 अगस्त को खड़े होके हम क्या बात बोलेंगे कि हमने इसकी पेमेंट कर दी थी, इसीलिए ये रेट्स के अकाउंट में आ रहा है? नहीं मोहसिन, क्यों क्रेडिट होगी? ये वाले तो 4 मंथ्स क्रेडिट होंगे, ये तो समझ में आ रहा है। ये वाला 1,50,000, इसका कुछ करना है या नहीं? 3,50,000 में से 4 मंथ्स तो आपके एक प्री पेमेंट हो गए, ये बात तो डन हो गई है ना। लेकिन अब ये जो पिछले साल के 4 महीनों की बात कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, एक्सपेंस के अकाउंट में कोई चीज किस तरह से आ रही है? हर आइटम यहाँ पे एक्सपेंस के अकाउंट में आ रहा है पेमेंट के थ्रू, पेमेंट हो रही है तो वो एक्सपेंस के अकाउंट में आ रहा है, यानी के रेट्स के अंदर ये जो 5 लाख की अमाउंट आ रही है, इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट्स तो कर दी होगी है ना। 5 लाख की, इसका मतलब है कि बेनिफिट बैंक क्रेडिट हुआ होगा और ये रेट्स का अकाउंट डेबिट हुआ होगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं डबल एंट्रीज पास हो रही है।
अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें से 1,50,000 की पेमेंट किसकी थी फॉर द 4 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो हम 31 अगस्त 2015 पे खड़े होके हम क्या बोल रहे हैं? नहीं मोहसिन, मुझे एक बार भी बताओ मोहसिन, 1,50,000 की पेमेंट हो चुकी हुई है, हाँ या ना? वो कह रहा है कि 5 लाख जो रेट्स एक्सपेंस का अकाउंट है उसमें 5 लाख में से एक अमाउंट है 1,50,000 की, तो ये एक्सपेंस के अकाउंट में पेमेंट आई किस तरह से, अमाउंट आई किस तरह से? आपने पेमेंट कर दी होगी ना, हो चुकी है, चलो ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ये जो हमने चार्ट बनाया है इसमें से जहां पे पेमेंट यस हो रही है हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये इन दोनों सिनेरियोज में से किसी में होगा, है ना? पेमेंट हो चुकी 1,50,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेनिफिट कंज्यूम हो चुका या नहीं? अक्रूवल तो फिर ये है ही नहीं ना, है ना मोहसिन? अक्रूवल तो ये है ही नहीं क्योंकि हम ये कह रहे हैं पेमेंट हो गई है इसीलिए ये एक्सपेंस के अकाउंट में हमें नजर आ रहा है ना? यानी कि 1,50,000 बैंक क्रेडिट हुआ होगा, रेट्स डेबिट हुए होंगे इसीलिए हमें ये एक्सपेंस के अकाउंट में नजर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या बेनिफिट यूटिलाइज हो गया या नहीं, हम कहां पे खड़े हुए अभी? नहीं हुआ यूटिलाइज अभी तक। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं? हम 31 अगस्त 2015 पे खड़े हुए हैं। ये कौन से महीनों से पर्टेन करता है? पिछले महीनों से। ये पिछले साल की सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेमेंट है। टाइम गुजर गया ना, टाइम गुजर गया, हमने बेनिफिट एंजॉय कर लिया। देखो काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप टाइम गुजरने की वजह से कहते हो कि हमने बेनिफिट एंजॉय कर लिया। मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने वेरी गुड, नो अप्रूवल नो प्री पेमेंट, इसका कुछ भी नहीं करना, क्लियर हो गई बात? इसको एज इट इज जो इसके साथ हुआ हुआ है वो रहने देना है, बात समझ आ गई? आपने इसमें कोई अक्रूवल की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कोई प्री पेमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। आपने ये कहना है कि 1,50,000 का जो रेट्स एक्सपेंस के अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्लियर हो गई बात? तो काफी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनके आगे आप टिक करते रहते हो टाइम गुजरने की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने आपको पॉकेट मनी दी है 1,000 रुपीज की अगले 4 महीनों की, तो जब मैं आपको वो पेमेंट करूंगी तो मैं लिख दूंगी प्री पेमेंट। फिर जब वो 4 महीने गुजर जाएंगे मैं कहूंगी हाँ बस अब ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मेरा किस में रिकॉर्ड हो गया? एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। भले वो 1,000 रुपीज आपने इस्तेमाल किए हो, नहीं किए हुए हो, किस तरह से आपने इस्तेमाल किए हो, टाइम गुजरने की वजह से मैंने आपको ये कहा था कि अगले 4 महीनों की ये प्री पेमेंट है, मैंने आपको अगले 4 महीनों की पेमेंट कर दी है, तो टाइम गुजरने की वजह से अब वो मेरा प्री पेमेंट कन्वर्ट हो चुका एक्सपेंस में, मुझे कोई प्री पेमेंट या अक्रूवल बुक करने की जरूरत ही नहीं अभी, क्लियर हो गई बात? सही है? तो आपने इसी तरीके से ये वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हो आपने उसमें रेट्स, बच्चे रेट होता है टैक्स को कहते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि रेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, ठीक है? ये टैक्सेस वगैरह का ना ये ऑल्टरनेट नाम होता है, रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा आगे चलते हैं, क्लियर हो गई ना बात? तो 3,50,000 में अब हमें क्या करना है, 4 महीनों की अमाउंट को प्री पेमेंट करना है, क्योंकि 4 महीने ऐसे थे जिसमें हमने बेनिफिट इस्तेमाल नहीं किया हुआ, पेमेंट कर दिया है। 1,50,000 के बारे में हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि हम इनकी पेमेंट कर चुके थे तभी ये एक्सपेंस के अकाउंट में आ रहे हैं, और ये टाइम भी गुजर गया, यानी कि हम कहेंगे इसके अगेंस्ट बेनिफिट भी यूटिलाइज हो गया, तो दोनों के आगे क्या आ रहा है? यस यस आ रहा है। आप कहोगे नो अक्रूवल नो प्री पेमेंट, राइट? तो इसको आपने एज इट इज एक्सपेंस के अकाउंट में रहने देना, एक्सपेंस हो जाना चाहिए ये। आगे चलते हैं, वेजेस एंड सैलरीज है, वो ये कह रहा है ₹1,40,000 वर ओड टू एम्प्लॉइज एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 2015। जी
क्या करना है, अज्यूम ये, इसमें अजम्पशन ये होगी कि भाई 31 अगस्त ही आपका ईयर एंड है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर एंड है। चले जी, क्या है ये, ₹1,40,000 वर ओ टू एम्प्लॉइज, तो 31 अगस्त पे आपको अक्रूवल को बुक करना है, ठीक है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। लिखा हुआ है रिकॉर्ड दी अबव इंफॉर्मेशन इन द रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2015, यानी कि यहां से हमें कंफर्म हो रहा है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 अगस्त को, राइट। यहाँ पे जो ईयर एंडेड की बात हो रही थी, इसका मतलब ये था कि पेमेंट पूरे 12 महीने के लिए थी, और वो 12 महीने खत्म कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2015 पे, ठीक है। तो उसका ईयर एंडेड और हमारा एक्चुअल अकाउंटिंग ईयर एंड जो है वो डिफरेंट था, इसीलिए हमारा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की सिचुएशन अराइज हो रही है। और अब ये आपको कह रहा है कि आपने रेलिवेंट अकाउंट्स बना के क्लोज करने अकाउंट्स को, बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, मौसम बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको ये नहीं बोला हुआ कि सिंगल अकाउंट मेथड से लेके चलना है या डबल अकाउंट मेथड से, टू अकाउंट मेथड से। कम टाइम किसमें लगता है, सिंगल अकाउंट मेथड में, तो आपने सिंगल अकाउंट मेथड को ही फॉलो करना है, अनलेस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने अक्रूड एक्सपेंसेस के अकाउंट अलग बनाने हैं, प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनाना है और एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग बनाना है, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट सेपरेटली बनाने हैं। अगर तो ये बात बोली हुई है तो यानी कि वो हमें टू अकाउंट मेथड फॉलो करने को कह रहा है, और अगर उसने हमें कुछ नहीं कहा हुआ तो हमने अपनी जिंदगी आसान करनी है, राइट, हमने टाइम सेव करना है, तो उसके लिए हम सिंगल अकाउंट मेथड को लेके चलेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं एक्सपेंसेस के, हर एक में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपने फिर 5 अकाउंट स्टार्ट करने, आपने किस तरह से करना है, जितना पहले आपने स्टेशनरी का अकाउंट खोला है तो बहुत बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। वॉइस नहीं है, जवाब आपको भी नहीं आ रही, चले सही है। तो हम अब मैंने आपको, आपने इतनी बात सुन ली थी कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो कि किस मेथड से चलना है, तो आपने सिंगल अकाउंट मेथड को ही फॉलो करना है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, राइट। चलें जी, तो इसको करते हैं। तो आपने अभी हर एक्सपेंस के अकाउंट को अलग अलग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर आइटम आपको पता है कि अलग है। स्टेशनरी हो गया, आप क्या करें, फॉर्मेट तो खड़े कर दें, ठीक है। जितने भी आपके पास आपने अकाउंट्स को फिक्स करना है, आप उन अकाउंट्स के टी अकाउंट्स फॉर्मेट तो खड़े कर दें, थोड़ी थोड़ी लाइनें छोड़ के, छह छह सात सात लाइनें छोड़ के आप, बल्कि 6-7 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मैं 5 भी छोड़ेंगे तो ठीक है। तो मेरे पास तो यहाँ पे आसानी है कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास स्टेशनरी है, रेंट है, फ्यूल एंड पावर है, स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, स्टॉक के केस में, इन्वेंट्री के केस में नहीं, बिल्कुल अप्लाई होगा, जब वो करेंगे तो उसमें मैं आपको सब समझा दूंगी। ये उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है एक चीज, वो एक्सपेंस होता है, तो उसमें भी एसेट और एक्सपेंस दोनों इन्वॉल्व है। जो स्टॉक आपका अनयूज्ड होगा वो एसेट होगा, क्या आपने उसको खरीद लिया है, पेमेंट उसके अगेंस्ट कर दी है, इन अदर वर्ड्स, राइट, लेकिन आपने अभी तक उसके अगेंस्ट बेनिफिट नहीं इस्तेमाल किया, तो वो आपका एसेट रहेगा। और जो स्टॉक आपने इस्तेमाल कर लिया होगा, यानी कि जिसको आपने बेच दिया होगा, स्टॉक से क्या यूज निकलेगा, स्टॉक से क्या बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल, जो एसओसीआई में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो एक्सपेंस है, उस इन्वेंट्री का बेनिफिट है जो आपने कंज्यूम कर लिया है। इन्वेंट्री से क्या बेनिफिट मिलता है, इन्वेंट्री से बेनिफिट मिलता है कि उससे सेल होती है, तो जो इन्वेंट्री आप सेल कर देते हो उसके अगेंस्ट जो आप बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो वो आप एसओसीआई एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेते हो।
उसकी रिकॉर्डिंग का, फिर वो जिस तरह अभी हम एसओसीआई का पूरा बनाते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो जो एसओसीआई की अमाउंट आती है वो बेसिकली वही होती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेंट्री से कितना बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, कितनी इन्वेंट्री आपने बेच दी और उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न भी कर लिया। वो इंशाल्लाह इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ते हुए हम करेंगे। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है ये अकाउंटिंग में, हर जगह आपको जो है ना अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स नजर आएगा हर जगह, ठीक है। तो अभी तो हम इसको अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम में देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर इन्वेंट्री से हट के जो आपके अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स है ना वो आएंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम, सेल्स को भी, सेल्स को भी वैसे हम देखेंगे, हाँ सेल्स के अलावा, सेल्स भी इसमें डायरेक्टली टेस्ट नहीं हो रहा। तो अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस की हम बात करें, जब हम इनकम पर आएंगे ना तो फिर देखेंगे। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को देख रहे हैं अदर देन एसोसिएट, अदर देन इन्वेंट्री रिलेटेड, हम दूसरे एक्सपेंसेस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि असल में जो मेन मेन चीजें हैं ना आपकी, जिस तरह इन्वेंट्री हो गया, सेल्स वगैरह हो गया, ये तो आपके अलग से स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, डेप्रिसिएशन हो गया, ये आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उसमें हम अलग उनकी अकाउंटिंग देख लेंगे, उसमें थोड़े से डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है, फॉलो यही हो रहा होता है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट हर जगह फॉलो हो रहा होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से, तो मेथड उसका थोड़ा डिफरेंट है इन्वेंट्री का, ठीक है जी। तो आपने फ्यूल एंड पावर कर लिया, रेट्स कर लिया, और आखिरी आपके पास है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो फिगर्स आपको अभी दी हुई है ना उनको तो आपने पहले अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि उन फिगर्स को आपको बेसिकली ठीक करना है ना। तो आप इस तरह से कर दें, डेबिट बैलेंसेस हैं, एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी अमाउंट है, ये किस्म की अनएडजस्टेड अमाउंट है जिसको आपने अभी ठीक करना है ना। आपको पता है एसओसीआई में स्टेशनरी का 5,30,000 नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 5,30,000 में से 22,500 की स्टेशनरी अनयूज्ड पड़ी हुई है, उसके अगेंस्ट आपने अभी तक बेनिफिट इस्तेमाल नहीं किया, राइट। तो आपने क्या किया, एज पर ट्रायल बैलेंस फिगर लिख दी 5,30,000, क्लियर होगी बात जी, क्लियर है मोहसिन जवाब। अब आप ये देखें, देवर स्टेशनरी स्टिल इन हैंड एट 31 अगस्त 2015, विच हैड कॉस्ट ₹22,500। तो आपके पास एक चीज पड़ी हुई है, आपने उसका बेनिफिट, बिल्कुल आपने उसका बेनिफिट इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि इसका फ्यूचर में बेनिफिट आपने यूज अभी भी करना है। तो आपने 31 अगस्त को क्या कर देना है, एक एसेट रिकॉर्ड कर देना है 22,500 का, राइट। बल्कि इसको एक लाइन नीचे लिखें, ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया, आपने ये कहा टोटल अमाउंट अभी जो गई हुई है ट्रायल बैलेंस में वो है 5,30,000, इसमें से 22,500 का स्टेशनरी स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, राइट। एसेट, इसको हम प्रीपेड स्टेशनरी नहीं कहते, इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कहते, इसको बस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से करंट एसेट्स में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। ये बात कंफर्म है सबको, ये क्या है, स्टॉक की है ना, एक किस्म का इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी है। तो आपके पास ये क्या पड़ी हुई है, आपके पास ये इन्वेंट्री अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गई बात मोहसिन और जवाब। तो आपके पास ये इन्वेंट्री है, स्टेशनरी की स्टॉक है, एसेट है, आपको पता है इसका कैरेट डाउन आना चाहिए क्रेडिट साइड पे। अब जब हम स्टेशनरी के अकाउंट को दोबारा से क्या करेंगे, क्लोज करने जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि आपके एसओसीआई में जो स्टेशनरी एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतनी स्टेशनरी को कंज्यूम किया, वो होना चाहिए था 507,500। तो हमने क्या किया, 31 अगस्त को एसओसीआई की फिगर निकाल दी 507,500, यानी कि एक्सपेंस की अमाउंट हमारी 5,30,000 नहीं है, 507,500 है, क्लियर हो गई बात। इसी तरह रेंट पर आएंगे,
रेंट का भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्या है? डेबिट बैलेंस है, आपने लिख दिया एज पर ट्रायल बैलेंस, या यहाँ पे डेट ही डाल दें 31 अगस्त, एज पर ट्रायल बैलेंस। रेंट का डेबिट बैलेंस है 1 मिलियन, ठीक है जी, ये काम आपने कर दिया। अब आपने देखा कि रेंट से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट क्या पास करनी है। रेंट ऑफ 2,20,000 फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर इट। क्या करना है? अक्रूवल कहां पे लिखेंगे? मोशन। मोहसिन ने जवाब देना है, ठीक है। मोहसिन क्या करेंगे इसका? डेबिट साइड पे। अच्छा, कितने अमाउंट, चलो डेबिट साइड पे आ गई 31 अगस्त, क्या अमाउंट? टू लैख 20,000 या 4,40,000 या 1,10,000, कितनी अमाउंट? टू लैख 20,000, चलो ठीक है। और इसका पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? नहीं, कैरेट डाउन, उसका मतलब ही यही है। हम सिंगल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। सिंगल अकाउंट मेथड में अक्रूड एक्सपेंस के बजाय क्या लिखना है? कैरेट डाउन लिखना है, डबल एंट्री पास नहीं करनी। सही है मोहसिन, आप कैरेट डाउन लिखोगे डेबिट साइड पे तो वो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। एक्सपेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा होगा। नहीं, टू अकाउंट मेथड नहीं ना, आपने सिंगल अकाउंट मेथड से करना है, ठीक है? ठीक है, आप सोचो भले टू अकाउंट मेथड सही, बस जहां पे अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस लिखना हो वहां पे आपने कैरेट डाउन लिख देना है उठा के, ठीक है जी। तो अब जब आपने ये काम कर लिया तो अब आपने इसको भी क्लोज करना है। जब आप इसको क्लोज करने जाएंगे तो आपके पास, अब आप ये कहोगे कि मेरा बेसिकली एसओसीआई में जो एक्सपेंस जाना चाहिए था वो 1 मिलियन नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपने अभी भी 2 महीनों की रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। तो जब आप एसओसीआई की फिगर निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर, तो वो क्या निकलेगी? 1,220,000, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं फ्यूल एंड पावर पे। फ्यूल एंड पावर पे भी आपने 31 अगस्त को लिख दिया एज पर ट्रायल बैलेंस। ये याद रखिएगा, ये कोई आपकी डबल एंट्री नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम वो नहीं करते अनएडजस्टेड ब्रॉट डाउन, राइट? अनएडजस्टेड बैलेंस, आप चाहें तो उसको ब्रॉड डाउन भी लिख दें, लेकिन ब्रॉड डाउन लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि ब्रॉड डाउन आपको पता है कि एक्सपेंस के अकाउंट में ब्रॉड डाउन और ब्रॉड डाउन बेसिकली आप कोई मतलब रखते हैं, हमें बात पता लग गई कि या तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं या वो अक्रूवल्स होते हैं, राइट? ओपनिंग अक्रूवल या ओपनिंग प्रीपेड होता है। तो हमने इसको अब ब्रॉड डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि हर टर्मिनोलॉजी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। आप चाहे तो उसको अनएडजस्टेड अमाउंट भी लिख सकते हैं, अनएडजस्टेड बैलेंस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम कंट्रोल अकाउंट के अंदर अपना एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट जो बना रहे होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना ब्रॉड डाउन, तो वो बेसिकली साल के शुरू का बैलेंस नहीं होता, वो उसी दिन का अनएडजस्टेड बैलेंस होता है। तो अगर आप इधर भी ब्रॉड डाउन लिखते हो और आपके आगे उसको लिख लेते हो कि ये अनएडजस्टेड बैलेंस है या ये अनएडजस्टेड अमाउंट है, तो वो जी चीज भी ठीक होती है, एज लॉन्ग एज आपने एसओसीआई और कैरेट डाउन बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेट किया, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो यहां पे मैंने एज पर ट्रायल बैलेंस लिख दिया, ये ज्यादा क्लियर है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है इन दिस सिनेरियो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे फ्यूल एंड पावर आपके पास आ गया 9,60,000। आपने नाइन याद रखिएगा, सारे रुपीज एंड थाउजेंड है, ठीक है? तो मैं फुल फॉर्म में लिख रही हूं अपने टी अकाउंट में टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम। ट्रायल गिवन होगा,
अगर ट्रायल ना, नहीं ट्रायल हो, आप लिख देते अनएडजस्टेड बैलेंस, लिख दो अनएडजस्टेड अमाउंट कि इसको हम ठीक करने जा रहे हैं, इसमें कुछ गलती है, ठीक है अनएडजस्टेड अमाउंट लिख देते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। अच्छा आगे देखते हैं, फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड ये पार्ट सी है। हाँ जी, क्या करना है पार्ट सी का? जी जवान, क्या करना है पार्ट सी का? कंज्यूम्ड? नहीं, सिर्फ ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंज्यूम हो जाए तो नो एंट्री। इधर देखें, कंज्यूम हो गया यानी कि